हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन टेल्स इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोस डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम एंड ऑप्शंस आर ए निसेलस और इंटेग्यूमेंट, बी जायगोट, सी सिनर्जिड्स और एंटीकोडल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक, एंड डी एक्सेसरी एम्ब्रियो सैक्स इन द ओव्यूल। सो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं दैट इज आर एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। एपोमिक्सिस एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट फ्यूजन। सो एपो का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज विदाउट, और मिक्सिस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन। सो अगर हम इसका मीनिंग निकाले, सो एपोमिक्सिस इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे जो सीड फॉर्मेशन होगा दैट विल टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड वी नो दैट फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट। सो बेसिकली हम कह सकते हैं एपोमिक्सिस एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे सीड तो फॉर्म होगा बट देर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप यहाँ पे हम स्किप कर देंगे। सो दैट इज नोन एज योर एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, सो वी हैव सिट्रस, सिट्रस शोज एपोमिक्सिस, देन आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा मैंगो आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हमारी जो कुछ डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सो न्यूसेलस सेल जो होगी या फिर इंटेग्यूमेंट की जो सेल होगी, दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड एज अ रिजल्ट दे विल फॉर्म एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो होगा इट विल बी जेनेटिकली सिमिलर टू द फीमेल पेरेंट, बिकॉज वी नो दैट कि जो निसेलस और जो ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ये किसका पार्ट है, ये हमारे मेटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यूज का पार्ट है। सो हमारा यहाँ पे जो एम्ब्रियो होगा दैट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और सिमिलर टू द फीमेल पेरेंट। वाई जेनेटिकली सिमिलर, बिकॉज देर इज नो फ्यूजन एट ऑल, देर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और इफ देर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो देर विल बी नो जेनेटिक डायवर्सिटी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग विल बी क्लोन। सो क्लोन्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे। आफ्टर दैट जो हमारा एपोमिक्सिस होता है इसमें वी हैव सेवरल टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी जिसमें हमारा एग्जाम्पल क्या आ जाता है, सिट्रस आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा, जहाँ पे हमारे न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं। देन वी हैव रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी, यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो एप्पल का आ जाएगा, पियर का आ जाएगा। यहाँ पे रिकरेंट एगोस्पर्मी में क्या होगा, जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक है वो कैसे बनता है, इस फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल ऑफ न्यूसेलर व्हिच हैज डिप्लॉयड एगोस्पोर। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था दैट वाज आस्किंग दैट कि इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए दैट इज न्यूसेलर्स और इंटेग्यूमेंट, और हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा जो कि है हमारा सिट्रस। सो करेक्ट ऑप्शन will be A. I hope you understood the concept of the adventitive embryony. Thank you.